मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे ऑल्सो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इस बेटा गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 की आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करनी है एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स हुज ओनली वन वेरिएबल इज देयर, x एंड y में से कोई एक वेरिएबल दे रखा हो। इन टू वेरिएबल जैसे ये है, ये आपकी सिर्फ y में है, तो दिस इज ए वन वेरिएबल इक्वेशन। इन टू वेरिएबल इसको आपको एडजस्ट करना है कि आप इसको टू वेरिएबल की फॉर्म में कैसे एडजस्ट कर सकते हो, फिर उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये सिर्फ वन वेरिएबल की फॉर्म है क्योंकि आपका वाई गिवन है, वाई गिवन है ना। तो सेकंड वेरिएबल टू वेरिएबल में बेटा इसी इक्वेशन को आपको एडजस्ट करना है, आपको इसी इक्वेशन को एक्स और वाई में एडजस्ट करना। वो आप कैसे करोगे देखो, जैसे हमारा फर्स्ट है बेटा इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स वाई इक्वल टू थ्री। वाई इक्वल टू थ्री की तो आपकी वही एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, ये इधर आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। वैसे आप लेने को तो वाई एक्सिस ये भी ले सकते हो, लेकिन हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस करते हैं, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीरो हो गया, नीचे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऊपर वन टू थ्री फोर। तो इसने बोला है वाई इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू थ्री हमारा ये आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इक्वल टू थ्री। समझ में आई? सिर्फ ये मैंने इसलिए वर्टिकल मैंने इसलिए ये क्योंकि हमारी जो वाई एक्सिस होती है वो हमारी वर्टिकल उसमें होती है, हॉरिजॉन्टल में हमारी एक्स एक्सिस होती है। आप इसको हॉरिजॉन्टल भी लेके ऐसे करके और वो आप वाई एक्सिस लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम करते बेटा इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये आपकी वर्टिकल वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है, इसलिए मैंने इसको वर्टिकल ही लिया है। ठीक है, तो ये होगी आपकी इन वन वेरिएबल में। सेकंड वेरिएबल में आप क्या करोगे, इन टू वेरिएबल है तो हमारी y इक्वल टू थ्री में y का कोफिशियंट कितना आपको पता है, वन है। तो है तो हमारी ये इक्वेशन भी बेटा y इक्वल टू थ्री, लेकिन हम इसके आगे जीरो इंटू एक्स लिख सकते हैं क्योंकि जैसे आपने पहले भी पढ़ा हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आपने उसको एक्सप्रेस किया था, तो कोई भी आपका वेरिएबल नहीं था तो उसके साथ हम जीरो इंटू समथिंग लगाते थे। तो वही चीज़ हमारी ये आ गई, जीरो इंटू एक्स का मतलब तो जीरो ही है क्योंकि एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाओगे हमारा आंसर क्या आता जाएगा, ये वाला आंसर हमारा जीरो ही आता जाएगा। जीरो इंटू वन लिखेंगे तो भी जीरो बनेगा, जीरो इंटू टू लिखेंगे तो भी जीरो ही बनेगा। ठीक है, तो रही तो आपकी वो फिर भी वाई इक्वल टू थ्री ली, लेकिन हमें टू वेरिएबल की फॉर्म में एडजस्ट करना है, तो मैंने लिख दिया जीरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू थ्री। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना दी एक्स और वाई। पहले मैंने एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, यहाँ पे जीरो पुट कर दिया तो जीरो इंटू जीरो ये जीरो बन जाएगा, वाई इक्वल टू कितना आ गया थ्री। फिर मैंने एक्स की वैल्यू वन पुट की, जीरो इंटू वन, जीरो इंटू वन क्या आएगा जीरो ही आएगा क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, ये जीरो बन गया, ये फिर से वाई इक्वल टू थ्री आ गई। फिर एक्स की वैल्यू टू पुट करी, जीरो मल्टीप्लाई टू, ये फिर से जीरो बन गया, फिर वाई की वैल्यू थ्री आ गई। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बना दिया, दिस इज ए एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये वाई ये जीरो जीरो पॉइंट हो गया यहाँ पे हमारा, दिस इज जीरो जीरो। तो ये वन टू थ्री, एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो भी थ्री आई, एक्स की वैल्यू वन पुट की तो भी ये आपकी थ्री आई, एक्स की वैल्यू टू पुट की तो भी आपकी थ्री आएगी, एक्स की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो भी आपकी थ्री आएगी। तो ये सारे हमारी एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी किस में बन गई, टू वेरिएबल फॉर्म में बन गई बेटा, जीरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू थ्री। सेम आवर सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू एक्स। वो आपका वाई में था, ये आपका x वेरिएबल में। ठीक है, 2x प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो वन वेरिएबल की फॉर्म में तो ये दे ही रखा है, ये वन वेरिएबल वाला तो बहुत ईजी है। सेकंड, टू वेरिएबल की फॉर्म में हम y को और एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पे वो लिख देंगे हम 2x प्लस, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था जीरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस जीरो इंटू वाई प्लस नाइन।